हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एचएसएससी से रिलेटेड बहुत सारी वेरियस टाइप ऑफ न्यूज़ जो हैं न्यूज़पेपर में आई हैं, अलग अलग भर्तियों से जुड़ी या अलग अलग सभी प्रकार की न्यूज़। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए, ग्रुप सी सीईटी का संशोधित परिणाम कल जारी हो चुका है। संशोधित परिणाम जारी, 20,000 नियुक्तियों का रास्ता साफ, दोबारा से विज्ञापित होंगे पद। हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग ने बिना बोनस अंक दिए जो ना मेरिट सूची जारी कर दी है, यानी कि जो 5 नंबर से ऊंची कनेक्ट क्राइटेरिया के दोस्तों उनको हटा दिया है। अब उनके बिना रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। संशोधित परिणाम में कम हो गए अंक, 15,000 प्रभावित हुए इससे। संशोधित परिणाम जारी होने पर दोस्तों मेरिट सूची में अधिक असर नहीं पड़ा है, क्योंकि परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों में को जो पहले अतिरिक्त अंक मिले थे अब उनको हटा लिया गया है। ऐसे में अधिकतर अभ्यर्थियों का मेरिट सूची में वही स्थान है, केवल उनके अंक कम हो गए हैं। हालांकि आयोग इसकी विस्तृत समीक्षा कर रहा है। आर्थिक सामाजिक अंक नहीं मिलने से ग्रुप सी भर्ती के करीब 15,000 अभ्यर्थी से प्रभावित होंगे। 24 ग्रुपों का जारी हो चुका परिणाम। जो दोस्तों ग्रुप 24 के एग्ज़ाम लिए हैं, उन्होंने 24 ग्रुपों के एग्ज़ाम लिए, इनके परिणाम जारी हो गए। कुछ की ज्वाइनिंग हो चुकी है। 32,000 पदों के लिए 401 पदों को 401 तरह के पद इनमें थे, इनको लेकर 63 ग्रुप बनाए थे और 24 जो ग्रुप हैं उनका परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। ग्रुप सी और डी के कुल 23,000 कर्मचारी नौकरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। ग्रुप सी के करीब 20,000 पद खाली हैं और इनमें ग्रुप 56, 57, 1, 2 हाईकोर्ट केस में लंबित था, जिसके बाद अब ये फैसला हो चुका है इनका। 20,000 पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापित अब दोबारा से होगा और इन पदों के मुकाबले में चार गुना जो है ना अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके परिणाम के आधार पर ही फाइनल मेरिट सूची जो है वो तय कर दी जाएगी, उसके अनुसार ही भर्ती की जाएगी। इसी सप्ताह पुनर्विचार याचिका दायर करेगा आयोग। दोस्तों, हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार इस सप्ताह पुनर्विचार जो है ना याचिका हाईकोर्ट में दोबारा जो है ना कर्मचारी चयन आयोग करेगा, ताकि जो कर्मचारी चयनित हो चुके हैं, जिनको जॉब मिल चुकी है, उनको ये बताया जाएगा कि उनके बिहाफ पे उनको 5 नंबर वगैरह नहीं दिए गए हैं, बिना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के इनको नौकरी दी गई है, इसलिए वे जो है ना दोबारा इनका एग्ज़ाम लेने या सभी कुछ दोबारा आयोजित करवाने से लेकर उनकी कि वे इससे बच जाए और उनकी नौकरी बची रहे। तो इस प्रकार के जो ना दोबारा से पुनर्विचार याचिका में जो आयोग है वो हाईकोर्ट को समझाएगा। नए सिरे से जारी होगी ग्रुप डी के शेष पदों का परिणाम। ग्रुप डी के लगभग दोस्तों 13,657 पदों में से 9,50,000 अभ्यर्थियों ने सीटी परीक्षा दी थी। इसमें 4,20,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे। इनमें से 11,000 से अधिक ने ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, न्यूज़पेपर में बताया गया 11,000 से अधिक ने ज्वाइन कर लिया है, जबकि 2657 का रिजल्ट अभी बोनस के कारण रोक लिया है। तो 11,000 का तो पूरा रिजल्ट आया भी नहीं था दोस्तों, 9,000 का रिजल्ट आया था। तो यहाँ पर अभी थोड़ा डाटा मिसमैच है इनका, लेकिन इन्होंने दिया 11,000 से ज़्यादा ने। उसके बाद दोस्तों ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के कारण 2657 पोस्ट का रिजल्ट रोक लिया गया था, लेकिन इन पदों के साथ अब हो सकता है वेटिंग के भी जितने पद खाली हैं या नई भर्ती के जो वैकेंसी बढ़ाई जाएगी उनका रिजल्ट भी साथ ही साथ दिया जा सकता है। ये दोस्तों आज मेन न्यूज़ हैं। आगे देखिएगा, हिम्मत सिंह ने जो बताया है, हाईकोर्ट के अनुसार परिणाम संशोधित किया गया है, जल्द पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी, हमारी कोशिश होगी कि भर्ती को जल्दी पूरा किया जाए। हिम्मत सिंह, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष का यह दावा है। 23,000 नौकरी कर रहे युवाओं को परीक्षा से छूट दिलाने के लिए पुनर्विचार याचिका डालेगी सरकार। सीईटी पास करने वालों से दोबारा पदों के लिए मांगे जाएंगे आवेदन। अभी दोस्तों हरियाणा पुलिस का इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि भी दोबारा आवेदन कराया जाए नहीं कराया जाए, लेकिन जहाँ तक दोस्तों मेरे हिसाब से दोबारा ही आपके आवेदन मांगे जाएंगे, क्योंकि पहले 95 नंबर के अनुसार शेड्यूल बनाते, क्योंकि पुलिस की परीक्षा भी सीईटी के दायरे में ही आपकी आएगी। उसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पे तृतीय श्रेणियों की सीईटी का पहली स्टेज का संशोधित परिणाम जारी, यानी सीईटी दोस्तों जो आपका हुआ था प्री एग्ज़ाम, उसके जो ना रिजल्ट जो आपका दोबारा से रिवाइज रिजल्ट हो डाला गया है, उससे जुड़ी ये न्यूज़ थी। उसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत निकलेंगी बम्पर भर्तियाँ। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियाँ करके सरकार माहौल बनाने की तैयारी में, इसके लिए जो ना जो कौशल रोजगार निगम जो बीजेपी सरकार ने चलाया है, उनके द्वारा भी बहुत सारी जो पोस्ट वे भरी जाएंगी। ये आप उन्हें सीधा सा न्यूज़ देख रहे हैं दोस्तों, इनकी भर्तियाँ निकली की जाएंगी, इसमें भी बहुत सारी भर्तियाँ, ताकि माहौल बन सके सरकार के लिए कि भी बहुत सारी नौकरियाँ दी हैं। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शपथ पत्र में पंजाब एवं हाईकोर्ट ने निकाली बहुत सारी खामियाँ।
ग्रुप सी के आवेदन पहले करा लिए और संशोधन इसमें बाद तक होता रहा, तो बहुत बारी देखा ही गया कि उन्होंने आवेदन करा लिए पहले और बाद में दोस्तों किसी को अपने नंबर वापस लेने हैं, किसी को कैटेगरी ठीक करनी है, इस प्रकार के संशोधन जो ना होते रहे। ये पूरी न्यूज़ दोस्तों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, दिया गया है। एजी ने अपनी भी मान लिया था अदालत में जब अपने तथ्य स्वीकार कर लिए थे कि हाँ हमसे जो ना अपनी टेक्निकल ग्लिच हो या गलतियाँ बहुत सारी हुई हैं, चाहे PPID कौन उन्हें माना है, तो इसमें ये न्यूज़ भी आई है। उसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पे डांट फटकार भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों HSSC को। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े 3000 केस लगभग हाई कोर्ट में चल रहे हैं हरियाणा सरकार के दोस्तों। HSSC में ऐसे व्यक्ति को सचिव बनाए जिन्हें परीक्षा कराने का अनुभव हो हाई कोर्ट, तो ये बताया गया हाई कोर्ट ने कि भी जिस व्यक्ति को परीक्षा लेने का परीक्षाएँ कराने का अनुभव है उस व्यक्ति को जो ना जो HSSC का सेक्रेटरी या सचिव बनाया जाए ताकि ऐसी कमियाँ ऐसी गलतियाँ न हों, भर्तियाँ कोर्ट में न फंसें। इधर देखिएगा उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं, योगी कैबिनेट का फैसला, पेपर लीक अगर हुआ तो 1 करोड़ का जुर्माना होगा, उम्र कैद की सजा होगी। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रुप सी भर्ती संशोधित परिणाम जारी हो चुका CET का। दिव्यांगों को ग्रुप ए में केंद्र की तर्ज पर मिलेगा प्रमोशन। तो ये दोस्तों आज बहुत सारी न्यूज़ आपने देखी है, CET सी ग्रुप से, डी ग्रुप से, चाहे और भी आपकी जो वेरियस टाइप ऑफ न्यूज़ थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये आपकी बहुत सारी मेन न्यूज़ थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।